हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। शुरुआत बड़ी खबर के साथ, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज पहुंचा रहे हैं आप तक। देखिए, पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बड़ा बयान आया है, बड़ी खबर दिल्ली से। बड़ा बयान पूर्व सीएम का, कह रहे हैं संगठन होने और ना होने से फर्क पड़ता है, संगठन होने से और ज्यादा मजबूती मिलती है। गुलाम नबी आजाद ने कल बुलाई है अहम बैठक, दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर पहुंचा रहे आप तक। कोऑर्डिनेशन कमेटी सदस्यों और विधायकों को बुलाया गया है, गुलाम नबी आजाद ने यह बैठक बुलाई है। विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाई जाएगी, ये जानकारी दी है पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, संगठन के होने और ना होने पर कांग्रेस किस तरह से जोर दे रही है, संगठन को मजबूत करने को लेकर किस तरह से जोर दे रही है, पूर्व सीएम के बयान से साफ झलक रहा है। कह रहे हैं पूर्व सीएम कि संगठन होने से मजबूती मिलती है। गुलाम नबी आजाद ने कल अहम बैठक बुलाई है विधानसभा चुनाव के दरमियान। विधानसभा चुनाव को नजर में रखते हुए बैठक बुलाई गई है, कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्यों और विधायकों को बुलाया गया है इस बैठक का हिस्सा बनने के लिए। विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाई जाएगी। जितेंद्र चौधरी हमारे संवाददाता हमें बेहतर बता पाएंगे कि किस लिए यह बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में क्या कुछ खास रहने वाला है। जहां तक जितेंद्र मैं समझ पा रही हूं, चुनावी मोड में कांग्रेस नजर आ रही है। देखिए, अगर बात की जाए तो जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में हरियाणा में खासतौर से अगर हम बात करें, हालांकि किस तरीके का प्रदर्शन देश भर में रहा ये तमाम लोग जानते हैं, लेकिन हरियाणा में जिस तरीके से क्लीन स्वीप बीजेपी को मिला और कांग्रेस को करारी हार का सामना जो है वो यहाँ पर करना पड़ा है, उसके बाद अब विधानसभा चुनाव को लेकर के कमर कसती कांग्रेस नजर आ रही है और उसको लेकर के जो भी जरूरी चीजें हैं उनको पहले से ही तैयार करने को लेकर के ये बैठक कल बुलाई गई है। कोऑर्डिनेशन कमेटी के साथ साथ एक्सटेंडेड बैठक जो है वो इसे बताया जा रहा है, जिसमें तमाम विधायक जो है वो कांग्रेस के शामिल रहने वाले हैं और संगठन में किस तरीके से आगे मजबूती लानी है, और साथ ही जिस तरीके से अभी तक जिला और ब्लॉक स्तर पर कांग्रेस का संगठन नहीं था, इन तमाम चीजों को लेकर के जिस तरीके से परेशानी पीछे के चुनावों में देखने के लिए मिली है, और इस बात को खुद खुले मंच से और मीडिया के समक्ष भी नेताओं की तरफ से कांग्रेस के माना गया है कि कहीं ना कहीं संगठन का जिले स्तर पर ना होना, बूथ स्तर पर ना होना भी कांग्रेस के लिए एक कमजोरी का विषय बना है और जिसकी वजह से काफी नुकसान जो है वो रहा है। इन तमाम चीजों को लेकर के आगे किस प्रकार से कदम रखे जाने हैं इसको लेकर के बैठक बुलाई गई है। कल 4 बजे ये बैठक होनी है, जो कि गुलाम नबी आजाद की अध्यक्षता में ये बैठक तमाम हरियाणा के नेता और विधायकों के बीच होगी। चलिए, देर आए दुरुस्त आए, कम से कम प्रदेश कांग्रेस को यह महसूस तो हुआ कि संगठन न होने की किस तरह से कमियां झेलनी पड़ रही हैं और क्या नुकसान हो रहा है पार्टी को। क्या कोई फेरबदल भी हमें देखने को मिलेगा? देखिए, कल की जो बैठक है काफी अहम बैठक मानी जा रही है और यह भी कहा जा सकता है कि अगर कल ये तमाम चीजें जो है सामने रखी गई, एक तरफ हार का सामना करने के बाद बैठक हो रही है, इसमें तमाम उन कारणों को भी खंगालने की कोशिश की जाएगी, साथ ही संगठन एक बड़ा विषय जो है कल रहने वाला है, तो इसके बाद ये रिपोर्ट जो है वो कांग्रेस आलाकमान को जाएगी, जिसके बाद एक अंतिम निर्णय इस पर किया जाएगा। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने अभी 2 दिन पहले ये कहा था कि संगठन नहीं है प्रदेश कांग्रेस का, लेकिन कार्यकर्ता बेहद मजबूत हैं, और आज वो कह रहे हैं कि संगठन होने ना होने से भी फर्क पड़ता है। यानी कहीं ना कहीं पूर्व सीएम भी ये समझ रहे हैं कि कितनी ज्यादा तगड़ी मेहनत करने की जरूरत है प्रदेश कांग्रेस को विधानसभा चुनाव के लिए। जितेंद्र, देखिए, आज फिर दोबारा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जब हमने ये पूछा तो उन्होंने दोहराया कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की वजह से इस प्रकार का प्रदर्शन रहा है, और दूसरी तरफ जहां संगठन होना चाहिए था उससे एक अच्छी मजबूती जो है कांग्रेस को मिल सकती थी तो नहीं मिल पाई है। इस बात को आज फिर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, और न सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा बल्कि कुमारी शैलजा कांग्रेस की वरिष्ठ नेता है, उनकी तरफ से भी इस बात को सामने रखा गया है कि कांग्रेस के संगठन ना होने की वजह से काफी नुकसान कांग्रेस को हुआ है। चलिए, तो कल शाम 4 बजे बैठक होनी है। अपडेट के लिए और दूसरी सुर्खियों के लिए भी लौटूंगी। फिलहाल बहुत धन्यवाद जितेंद्र, तमाम जानकारी के लिए।